चंद्रयान 3 के ऊपर 11 कैमरास है। कुछ लैंडिंग में मदद करते हैं, कुछ रोवर को स्पॉट करते हैं और कुछ जस्ट इमेजेस खींचते हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे ही, प्लस ये भी जानेंगे कि ये टेस्ट कैसे हुए। और हाँ, मुझे बताया लूना 25 क्रैश हुआ, उसके बारे में एंड में डिस्कस करेंगे, वो मेन टॉपिक नहीं है। अभी हम आते हैं लैंडर के पीछे। यहाँ सबसे पहले हमें मिलेगा LHVC यानी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। ये कंटिन्यूअसली इमेजेस खींचता रहेगा सरफेस के, जैसे चंद्रयान 3 उतर रहा है इमेजेस खींचता रहेगा। और आप एक इमेज से दूसरे इमेज में पिक्सल डिफरेंस से पता लगा सकते हो कि क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है लैंडर की करंटली। ये है वो इमेज जो उसने लिया है LHVC ने, जो इसरो ने पोस्ट किया था। काफी कूल इमेज है और आप इमेजिन कर ही सकते हो, राइट? आपने एक बार एक क्रेटर या एक कोई फीचर स्पॉट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट फीचर स्पॉट कर लिया, दोनों का डिफरेंस से आप बता सकते हो कि आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है। उसी के कैमरा के नीचे अगर हम थोड़ा नीचे आके लेफ्ट में आए तो हमें मिलेगा नेक्स्ट कैमरा जो है LPDC यानी लैंडर पोजिशन डिटेक्शन कैमरा। ये इमेजेस भी कंटिन्यूस फोटो खींचता रहेगा, पर ये स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड है उसका करंट लोकेशन बता करने लैंडिंग साइट के रेफरेंस से। इसरो ने क्या किया है, चंद्रयान 2 के मदद से इमेजेस खींच ले ऑलरेडी लैंडिंग स्पॉट की। ये सब इमेजेस बहुत हाई रेजोल्यूशन है और उन्होंने ऑलरेडी लोड करके रखा है विक्रम के ऊपर। तो ये LPDC वो इमेज खींचेगा, रेफरेंस करेगा ऑनबोर्ड इमेजेस से, और वो एक्यूरेटली पता पाएगा कहां है रेफरेंस लैंडिंग स्पॉट से, कितना दूर है, कितना नजदीक है। काफी मस्त। इसने भी रिसेंटली इमेजेस लिए है चंद्रयान मतलब ये चांद के। आप देख सकते हो ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल इमेजेस प्ले हो रहा है वो LPDC की इमेजेस है। अभी आते हम आगे यानी फ्रंट लैंडर के। यहाँ पे अगर आप नीचे आओ थोड़ा तो हमें दो यहाँ पे कैमरा सेट्स दिखते हैं, एक थोड़ा अलग एंगल पे फोकस कर रहा है, एक अलग। अभी ऑल्दो ये पैर है, ये रिडंडेंट पैर है, मतलब एक ही काम करेगा। इस कैमरा का नाम है LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। तो जब लास्ट फेज जब चंद्रयान 3 150 मीटर ऊपर होवर कर रहे चांद के, ये कैमरा यूज होगा नीचे देखने के लिए कि कोई हैजर्ड्स है कि नहीं। और ऑल्दो ये अगेन एज आई सेड जो पैर है, पर वो स्टीरियो में नहीं इस्तेमाल होगा, एक ही यूज होगा। और वो मतलब कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग करके वगैरह शेडोज वगैरह देख के पता लगा सकते हैं कि नीचे कोई बड़ा बोल्डर है या कोई बड़ा क्रेटर है या स्लोप है वगैरह। एंड देन अगर सपोज मिला कोई हैजर्ड नीचे, देन चंद्रयान 3 150 मीटर्स दूर फ्लाई करेगा एंड देन वहां लैंड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अकेला ऐसा कैमरा है जो प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है, राइट? बाकी सब फेसेस काइंड ऑफ चंद्रयान 2 में हो चुके हैं। फ्रंट में ही अगर हम ऊपर और थोड़ा लेफ्ट आए तो हमें दो पेयर्स ऑफ कैमरास साथ में दिखेंगे। ये है LI-1 एंड LI-2 जो है लैंडर इमेजर कैमरा 1 एंड लैंडर इमेजर कैमरा 2। ये अगर आप क्लोजली देखो रियल फोटो तो एक स्ट्रेट देख रहा है और एक थोड़ा राइट में देख रहा है, उसका थोड़ा ऑफ एक्सिस है पोजीशन, राइट? ये ऑफ कोर्स हम जैसे आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है वो लैंडर इमेजर कैमरा 1 ने लिया है। ये फ्रंट सीधा देखते हैं हम, ये बना तो नहीं है मून इमेज करने के लिए, बट आई गेस ये बना है लैंड करने के बाद रोवर के ऊपर नजर रखने के लिए, जो सीधा सामने होगा प्लस थोड़ा राइट भी देख पाएंगे। तो ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा था वो इस कैमरा ने इमेज लिया था। अभी आते हम थोड़ा साइड में, जो छोटा सोलर पैनल है या जो बड़ा सोलर पैनल है वहां पे। यहाँ पे और दो क्या लैंडर इमेजर कैमरास है, वो है LI-3 एंड LI-4। तो इसरो सब रेडिट के जो मॉड है उसने वो सस्पेक्ट कर रहा है कि जो रिसेंटली जो फर्स्ट लैंडर ऑर्बिट इंसर्शन के टाइम जो वीडियो रिलीज हुआ था कि इंसर्ट हो गया है, वो इन दो कैमरास से आया था। ये ऐसे साइडवर्ड्स देखते हैं लेफ्ट पैनल पे, अगेन ये शायद रोवर का व्यू देंगे उस साइड पे। और हाँ, अगर आप इनके इमेज इमेजिन कर रहे हो तो ये साइड जो है लैंडर का कोई भी कैमरा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर साइड पे कोई ना कोई कैमरा एक्सेप्ट दिस साइड। एंड फाइनली आते हैं हमारे रोवर के ऊपर। रोवर के ऊपर दो कैमरास है जो आप स्पॉट कर सकते हो इजीली। ये 1 megapixel ईच ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा है, आपके स्क्रीन के ऊपर इमेज है अभी। अब मैं श्योर नहीं हूं बट मेरा सस्पिशन ये है ताकि डेटा लो हो, और सिंस ये स्टीरियोस्कोपिक मोड में काम करना है, मतलब उसे दोनों को प्रोसेस करके पता चलना है कि कोई बोल्डर है या रॉक है या कोई हैजर्ड है वगैरह, तो इसलिए इसे ब्लैक एंड व्हाइट रखा होगा। 11th कैम जो है वो बोनस कैम जो है कि नहीं श्योर नहीं है, मिस्टीरियस है, पर आपको पता होगा चंद्रयान 3 का लैंडर अकेला नहीं आया, प्रोपल्शन मॉड्यूल को लेके आया। और अगर आप प्रोपल्शन मॉड्यूल के कैट डायग्राम्स देखो जो इसरो ने अपलोड किया है, तो उसके रिंग के ऊपर, सेपरेशन रिंग के ऊपर, एक कैमरा जैसी चीज दिखती है। अब हमें अब तक सेपरेशन वीडियो तो मिला नहीं, तो सस्पिशियस है ये है कि नहीं है, नॉट श्योर। टेस्टिंग पे आते हैं, इसे टेस्ट कैसे किया गया। इस पूरे सेंसर स्टैक को, कैमरास को लेके, प्लस ये दूसरे जो सेंसर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, इन सबको लेके एक MI-17 हेलीकॉप्टर के ऊपर फ्लाई किया गया। चिलिकेरी में इनका कैंपस है और यहाँ पे एक फेक क्रेटर्स बनाए गए। आप देख सकते हो ये क्रेटर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, अगर आपको ये क्रेटर्स देखने तो मैप लोकेशन दे दूंगा, ये पब्लिक है सबको पता है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये क्रेटर्स अभी नीट दिख रहे हैं क्योंकि मैं ओल्ड इमेज रिफर कर रहा हूँ, बट अगर आप लेटेस्ट इमेज देखो तो पानी से भर गए और पूरा ग्रास वगैरह हो गया। तो
हाँ, वो फुल कभी टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हेलीकॉप्टर फास्ट इनफ नहीं रहेगा फॉर दिस फ्लाइट। सोमनाथ सर भी कह रहे थे कि जो जिस वेलोसिटी से चंद्रयान 3 उतरने वाला है उस तक ये नहीं पहुंच सकते हेलीकॉप्टर्स, राइट। और इनके सब वंडर कर रहे हो प्रोपल्शन मॉडल का, मतलब ये प्रोपल्शन का टेस्ट कैसे हुआ। तो जस्ट एज अ, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ टॉपिक से, बट ये क्रेन पे उसका टेस्ट हुआ था। ये क्रेन पे काउंटर बैलेंस लगाए, काउंटर वेट्स लगाए थे और वो सिमुलेट कर रहे थे थ्रस्ट वगैरह। ये आपको काफी एक्चुअली इसरो की इमेजेस में दिखता है, जब भी इसरो कोई नया लॉन्च कर रहा है और वो इमेजेस पोस्ट करता है तो ये क्रेन दिखती है, वो वीएबी के साइड में ही है। और हाँ, लूना 25, कुछ लोग खुश होंगे कुछ लोग दुखी होंगे, बट एज एन इंजीनियर मैं सैड हूँ। मैंने पहले भी बोला है आपको कि ये रिकॉर्ड्स का नॉनसेंस सेंस नहीं करता है, बट रिगार्डलेस आप ही इमेजिन करो यार, आप इंजीनियर नहीं हो पर भी आप कुछ ना कुछ क्रिएट किए होंगे। जब भी आपका कोई क्रिएशन ऐसा टूट जाता है या खराब हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। इमेजिन करो ये लोग क्या 10-20 सालों से काम कर रहे होंगे लूना 25 के ऊपर एंड वो सडनली जस्ट डाइड। अब एग्जैक्टली क्यों फेल हुआ वो तो हमें नहीं पता, वो तो शायद भगवान और रशिया वालों को ही पता हो। रशिया रिलीज भी करेगी रिपोर्ट या नहीं क्या बताओ, उनका बताया इसरो की तरह नहीं वो ट्रांसपेरेंट, बट अपेरेंटली इम्पल्स ज्यादा था एंड वो क्रैश हुआ मून में। तो हाँ, एज एन इंजीनियर मैं सैड हूँ एंड साइंस का भी बहुत बड़ा लॉस है, राइट। कुछ नया डेटा मिलता जो फ्यूचर लैंडर को नहीं करना पड़ता, फ्यूचर लैंडर और कुछ करता फिर, बट अभी अगेन तो कलेक्टिवली लॉस है पूरी धरती का भी, नॉट जस्ट रशिया का। आई होप चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो और वो होगा।